साल 2010 में रणवीर सिंह की पहली मूवी आई बैंड बाजा बारात। दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 17 करोड़ 8 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 25 करोड़ 57 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब इनकी पहली मूवी एवरेज रही। साल 2011 में रणवीर सिंह की दूसरी मूवी आई लेडीज वीएस रिक्की बहल। दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 32 करोड़ 97 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 49 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी भी एवरेज रही। 2013 में इनकी तीसरी मूवी आई लुटेरा। इस मूवी का बजट 32 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 29 करोड़ की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी चौथी मूवी आई गोलियों की रासलीला रामलीला। दोस्तों इस मूवी का बजट 88 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 116 करोड़ 33 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 207 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी हिट रही। साल 2014 में इनकी पांचवी मूवी आई गुंडे। इस मूवी का बजट 51 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 78 करोड़ 60 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 130 करोड़ 91 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी छठवीं मूवी आई किल दिल। दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 33 करोड़ 14 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 58 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2015 में रणवीर सिंह की मूवी आई दिल धड़कने दो। इस मूवी का बजट 70 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 76 करोड़ 88 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 2015 में रणवीर सिंह की आठवीं मूवी आई बाजीराव मस्तानी। दोस्तों इस मूवी का बजट 145 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 184 करोड़ 20 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 355 करोड़ 61 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 2016 में रणवीर सिंह की मूवी आई बेफिक्रे। दोस्तों इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 60 करोड़ 24 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 99 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2018 में रणवीर सिंह की मूवी आई पद्मावत। दोस्तों इस मूवी का बजट 215 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 302 करोड़ 15 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 571 करोड़ 98 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद रणवीर सिंह की मूवी आई सिम्भा। दोस्तों इस मूवी का बजट 125 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 240 करोड़ 31 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 400 करोड़ 19 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। 2019 में रणवीर सिंह की मूवी आई गली बॉय। दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 140 करोड़ 25 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 238 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। साल 2021 में इनकी 13वीं मूवी आई सूर्यवंशी। दोस्तों इस मूवी का बजट 165 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 196 करोड़ की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 294 करोड़ 17 लाख का कलेक्शन किया और ये मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई 83। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 94 करोड़ 80 लाख की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 166 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2022 में रणवीर सिंह की मूवी आई जैस भाई जोरदार। दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 26 करोड़ 31 लाख की हुई और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2023 में इनकी 16वीं मूवी आई सर्कस। दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 42 करोड़ 44 लाख की हुई और भाई साहब रणवीर सिंह की ये मूवी भी डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था रणवीर सिंह का अब तक का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किसके ऊपर चाहिए ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।